देश में भीड़ की हिंसा और कथित गोरक्षकों को लेकर जहां एक तरफ संसद में हंगामा मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गोरक्षा के नाम पर फर्जी रक्षकों की गुंडागर्दी बदस्तूर जारी है। ताजा मामला बिहार का है, जहां एक ट्रक में कथित रूप से बीफ को ले जाने के शक में गोरक्षकों ने 3 लोगों की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें बिहार के भोजपुर की है, जहाँ जैसे ही इस ट्रक में बीफ ले जाने की खबर उड़ी, कथित गौरक्षकों ने इस पर धावा बोलते हुए ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके में कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मिलकर 3 लोगों को रोक लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गाँव में अवैध तरीके से गौ मांस की तस्करी का खेल चल रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुप्त सूचना के आधार पर कथित तौर पर गौ मांस की तस्करी में शामिल इस ट्रक को रोका और मौके से भारी मात्रा में मांस बरामद किया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने NH-84 पर सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि अवैध गौ मांस की तस्करी का धंधा काफी दिनों से चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को भी थी, मगर वह किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रही थी। आपको बता दें कि कथित गौरक्षकों को पीएम मोदी की सख्त हिदायत के बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि गाय के नाम पर किसी की जान लेना सही नहीं है, कानून अपना काम करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।